हेलो, मैं आपसे बात करने वाला हूं स्टटरिंग यानी हकलाने के बीमारी के बारे में। क्या होता है कि हकलाने की बीमारी जो है स्टटरिंग या स्टैमरिंग उसको बोलते हैं, तो आदमी अटक अटक के बातचीत करता है। तो ये बातचीत जब वो करता है तो काफी वो हंसी और मजाक का विषय लोगों के लिए बन जाता है। उसका दुख उसको ही मालूम कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली उसमें उसको मुंह में या जबान में या गाल में या यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। प्रॉब्लम रहता है यहाँ दिमाग में। और दिमाग में प्रॉब्लम मतलब उसको टेंशन है, एंजाइटी है, और उसके वजह से इतना वो प्रेशर में आ जाता है लोगों के सामने कि यहाँ से जो टेंशन आया हुआ पूरा टेंशन या पूरा प्रेशर वो पूरा यहाँ आता है। और यहाँ आने के बाद में वो पूरा शब्द बोल नहीं पाता, मतलब तक तक ऐसा हो जाएगा, इतना जाम हो जाता है। मतलब समझो साइकिल का चक्का, समझो यदि जाम हो गया है, साइकिल के चक्के को ब्रेक लग गया तो साइकिल भी कितना पेडल मारा तो साइकिल जाएंगी नहीं आगे, वैसा वो सामने जा नहीं सकता, अटक जाता है। इसका एकदम कम मात्रा में जो बीमारी है, कम मात्रा की, वो ऐसी है कि कभी कभी अटकना। फिर कुछ लोगों को सिर्फ लोगों के बहुत ज्यादा लोग रहे तो वो अटकते हैं। कुछ लोगों को स्टेज के ऊपर जाके बोल नहीं सकते क्योंकि वहां अटकते हैं। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बीच में अटक जाएंगे, और कुछ लोगों को काफी सीवियर रहता है कि वो बात भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों को सिर्फ पहला शब्द जो है वहां अटकते, और बाद में एक बार गाड़ी शुरू हो गई तो फिर वो शुरू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लोगों की विशेषता ये है कि अकेले जब रहते हैं तब तो एकदम अच्छा बोल सकते हैं, या जब उनको गाना गाने के लिए बोला तो एकदम अच्छा गाना गा सकते। स्पेशली ऑथोरिटी जो है, प्रभावशाली जो व्यक्ति है और जिनका प्रभाव है, अधिकारी जो है, उनके सामने बोलने के लिए तो ये लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है। इसके इसका ज्यादा जो इंसिडेंस है, ज्यादा मात्रा में वो मेन में, पुरुष में दिखाई देती, बच्चों में दिखाई देती, लड़कियों में कम दिखाई देती है। और इसका कारण कुछ तो भी बचपन में तनाव आ गया, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, एक आधा ऐसा ऐसे घटना हो गई कि जो घटना में उसको बहुत प्रेशर आके, टेंशन आके वो पूरा दब गया उसके नीचे, और उसकी वजह से वो अटकना शुरू हो जाता। तो शुरू में बहुत कम रहता है और फिर बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो जाता है। वो साइकेट्रिस्ट के पास में आते नहीं, उनको लगता है कि मैं क्या पागल हो गया जाना, मगर एक्चुअली वो साइकोलॉजिकल इलनेस है। लोग बोलते नहीं बड़ा हो जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद में आप अच्छा नहीं होता, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो ट्रीटमेंट कौन सी होती है? ट्रीटमेंट जो है वो पहले ये देखना पड़ता है कि उसको एंग्जाइटी कितनी है, टेंशन तनाव कितना है, एक वो देखना पड़ेगा। फिर कौन से कारण से इसकी शुरुआत हो गई वो देखना पड़ेगा कि क्या कारण हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले हुआ क्या कि वहां से शुरुआत हो गई, वो देखना पड़ेगा। फिर टेंशन कम करने के एक्सरसाइजेस है, कुछ स्पीच थेरेपी है, स्पीच थेरेपी देके भी ये जो हकलाने का इलाज है वो अच्छा हो सकता है। इसके लिए कुछ मेडिसिन भी है, दवाइयाँ भी है कि रिलैक्सेशन करने की दवाई है, उसमें रिलैक्स कर देते हैं, और रिलैक्स करने के बाद में यदि आदमी बोलता है तो उसमें हकलाना कम हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई आपको जब स्पीच देने का है, बड़े लोगों के सामने जाने का है, दवाई लेके जाओ थोड़ी सी, और थोड़ी सी दवाई लेके जाएंगे वो तो उनका टेंशन कम हो जाएगा और शांति से वो बात कर सकेंगे। स्पीच थेरेपी में उसको बोलते हैं कि भाई जानबूझ के लोगों के सामने बात करना चालू कर, क्योंकि होता क्या है कि हकलाता लोग हंसते करके बात करना बंद कर डालते या बात नहीं करते, बात नहीं किया तो और टेंशन आता है। तो इसलिए बेस्ट ये है कि भाई लोग हंसे तो हंसने दो, आज लोग हंस रहे हैं कल वो लोग रोएंगे, तो हमको ये देखना है कि ठीक है लोग हंसते तो हंसने दो, अपने को उनकी सुनने का नहीं है और अपन ने बात करना चालू करने का है। हंसे तो हंसने दो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब उसको एक बार ये समझ में आया कि लोगों को हंसने दो, अपन ने बात करना है, तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को कैसा लगेगा, इसके ऊपर ख्याल न देते हुए अपने को अच्छा होने का है। उसके लिए लोगों के सामने तकलीफ हो रही है, लोगों के सामने बातचीत चालू करो। स्टेज में बातचीत नहीं करे, स्टेज में जाके बातचीत करो। क्लास में यदि कुछ सवाल जवाब नहीं कर सक रहे तो क्लास में टीचर को बोल के सवाल जवाब करने के लिए जानबूझ के कोशिश करो, और जो दवाइयां वो दवाई लो।
फिर मैं बोलता हूँ कि स्पीच थेरेपी में कुछ प्रैक्टिस में बताता हूँ, प्रैक्टिसेस, कि ऐसा टेबल के ऊपर टक 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 करना और धीरे धीरे टक टक करना और हर टक के साथ साथ एक शब्द उच्चारना, हर टक के साथ में एक शब्द उच्चारना, ऐसे घर में प्रैक्टिस करना। फिर घर में लोगों के सामने कुछ पढ़ना और पढ़ने के बाद में फिर आराम से वो किताब या अखबार बंद करके फिर बोलना, मतलब ऐसा अलग अलग एक्सरसाइज है स्पीच थेरेपी, वो हम लोगों को बोलते हैं ताकि जितने भी लोग मेरे पास में आ जाए हकलाने के इलाज के लिए वो अच्छे हो गए। हिप्नोसिस का इलाज जो है वो भी बहुत अच्छा है इसके लिए, हिप्नोथेरेपी, वो मैं और दूसरे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो ऐसे लोग आपके आसपास हो तो उनको इलाज करने के लिए बोलो, ये वीडियो देखने के लिए बोलो और उनको अच्छा जीवन जीने के लिए आप सहायता कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा हो जाएगा ऐसा बोलने से अच्छा होता नहीं है। लड़का बड़ा हो जाएगा वो अच्छा बाद में अच्छा हो जाएगा, आप यह बोलना चालू करेंगे इससे भी होता नहीं है, तो उम्र के हिसाब से ऐसा नहीं होते रहता है। तो आपके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, आपके पहचान के जितने भी लोग हैं, उनको ये बोलो, उनका इलाज करवाओ ताकि वो अच्छा जीवन जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।